दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मौलाना सलमान अजहरी साहब को जैसा कि गिरफ्तार कर लिया गया था, आप सब लोग जानते हैं। तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए और उनको उकसाने का, उनके ऊपर जो धाराएँ हैं उनमें मामला दर्ज हुआ था। जैसा कि उनको जब जो मुंबई पुलिस थी वो अरेस्ट करके लेके आ गई थी, तो थाने को चारों तरफ से जो उनके चाहने वाले थे, समर्थक के मौलाना सलमान अजहरी साहब के, उन्होंने चारों तरफ से थाने को घेर लिया था। उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया और पुलिस से उसी टाइम उनको रिहा करने की मांग की, जिसके बाद मौलाना सलमान अजहरी साहब ने खुद माइक के थ्रू वहां पर एक स्पीच दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे यहां पर पूछताछ करने के लिए आए हैं, मैं इनका पूरा समर्थन कर रहा हूं, मैं कोई आरोपी नहीं हूं और ना ही ये मुझको यहां पर लाकर कोई जुर्म करेंगे यहां पर लाकर। इस तरह की उन्होंने अपील की और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की थी। तो मौलाना सलमान अजहरी साहब के ऊपर कई धाराओं में मामला भी दर्ज किया इन लोगों ने। तो जो अब सबसे बड़ी खबर क्या है कि मौलाना सलमान अजहरी साहब को 2 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है। जी हाँ, ये रविवार को देर रात में ये लोग मुंबई से जूनागढ़ उनको लेकर रवाना हो गई पुलिस रिमांड के लिए। अब ये लोग उनके साथ पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अल्लाह बेहतर जाने। क्योंकि सबसे बड़ा जो जुर्म है जो मौलाना सलमान अजहरी साहब का, ये कि वो मुसलमान हैं। ये लोग जब इनके कोई हाथ पे ऐसा मुसलमान शख्स चढ़ जाता है, जिस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये पूरी अपनी कसर निकाल लेते हैं। इसे पहला केस नहीं है, ये तो पहले मौलाना कलीम सिद्दीक साहब को भी इन्होंने इसी तरह के आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था और सालों साल उनको जेल के पीछे रहना पड़ा। और एक बार मौलाना साद साहब के ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगाए थे जब कोरोना का टाइम था, तो उनको भी पूरी तरह से बदनाम किया गया। और डॉक्टर जाकिर नायक के साथ भी इन लोगों ने ऐसे किया, वो तो जैसे तैसे करके देश से निकल गए, वरना उनको भी ये लोग नहीं पकड़ते। तो अब जो सलमान अजहरी साहब हैं उनके साथ क्या होता है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो हालात हैं देश के, जो कानून व्यवस्था है वो भी एक तरह से ख़राब है। ये कहना भी गलत है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ तक जिस तरह के हालात हैं उस हिसाब से, क्योंकि जो काम हो रहे हैं देश में वो लोकतांत्रिक देश वाले नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ एक तरह से तानाशाह से भी बुरा हाल है। तानाशाह कम से कम जो राजा होता है वो इंसाफ तो करता है, यहाँ पर इंसाफ किसी का जुल्म देखकर नहीं बल्कि मजहब देखकर हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है क्या ये लोग करेंगे मौलाना सलमान अजहरी साहब के बारे में? मुझे तो लगता है कि ये लोग कुछ उनके साथ गलत ना कर दे, उनको कुछ और गंभीर धाराओं में ना फंसा दे। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें आई स्टैंड विद सलमान अजहरी साहब।